रोहन साहब मैं वो कुछ कहूं संदीप जी से, अंजना जी सवाल पूछूंगा हाँ, जी ठीक है ठीक। मैं छोटा गौरव जी एक मिनट रुक जाइए, आपका समय नहीं है, मेरी बात खत्म कर रहे हैं। देखिए हेमंत शर्मा के बयान पर जरूर बोलिएगा, मैं जो बात क्योंकि यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है वो मैं नहीं समझ पाई हूँ अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, सारे जवाब दूंगा मैं। मुद्दों का दिवालियापन किसे कहते हैं, आज गौरव भाटिया को आपने सुना हो तो मालूम चल जाए। चुनाव कर्नाटक का है, 5 साल के उनकी सरकार है, एक बार भी इनकी सरकार या उनके कोई भी नेता 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए, क्योंकि मालूम है 40% कमीशन का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा अंजना दी, लास्ट 2 साल से इन्होंने काफी मुद्दे कर्नाटक में उछाले, हिजाब की बात हो, अजान की बात हो, सारे मुद्दे फेल हो गए। बोम्बई जी को कहना पड़ा आपके ये कॉन्क्लेव में कि ये मुद्दे नहीं है, यही कर्नाटक की जनता की जीत है, क्योंकि ये चुनाव कर्नाटक की जनता की अस्मिता का चुनाव है। आज गौरव भाटिया जी बात कर रहे हैं लिंगायत की, उनको शर्म आनी चाहिए। उनके बड़े बड़े लिंगायत नेता लक्ष्मण सावड़ी की बात करें, जगदीश शेट्टार की बात करें, जिन्होंने पार्टी को नींव से खड़ा किया, उनका टिकट काटा। क्यों काटा? क्योंकि परिवारवाद का शिकार हुई भाजपा। 224 में से 36 ऐसे काका चाचा मामा जीजा ताऊ ऐसी टिकटें भाजपा ने दी है, और उनके कारण जो नींव के पर जो कार्यकर्ता थे उनकी टिकट काटी। क्या जाएंगे जनता के पास में? आज उनका मैं पुराना मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं, कहा था किसानों को 1.5 गुना जो उनकी लागत है उससे 1.5 गुना पैसा मिलेगा, मिला। कहा था किसानों का लोन वेवर होगा, आज भी 31,000 किसान का लोन वेवर नहीं हुआ। कहा था फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आज भी नहीं मिली है। कहा था अच्छा पानी मिलेगा, मैं हुबली धारवाड़ में हूं, यहाँ पे उन्हीं की सरकार ने LNT को कॉन्ट्रैक्ट दिया और आज जनता को पानी नहीं मिल रहा है। जिनके सारे जो मैनिफेस्टो के वादे हैं 600 में से 540 जुमले हो, उनकी मजबूरी की इधर उधर की बात करेंगे। पर अंजना जी 30 सेकंड्स, ये चुनाव कर्नाटक की जनता की अस्मिता का चुनाव है, जनता ने अपना मन बना लिया। कांग्रेस की स्कीम, कांग्रेस की स्कीम, गृह ज्योति, बीच में मत बोलिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य, युवा निधि और बसों में महिला। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से हमारे सहयोगी ने बात की, उसका एक हिस्सा जल्दी से आपको सुना रहे। सवाल यह है कि अपोजिशन कह रहा है अगर हम दें तो फ्रीबीज, आप दें तो आप कहते हैं कि ये गरीब कल्याण। ऐसा है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उन्होंने कोई न मेहनत की है, न ही उन्होंने कोई आंकड़े देखे हैं, न ही उनका कोई इकोनॉमिक डिवीजन ने इसके बारे में कोई वर्कआउट किया है, और न ही कोई उन्होंने इस पर खर्च कितना होना है इस पर कोई वर्कआउट किया है। वह फ्री बीज, मैं इसलिए कहता हूं फ्री बीज का मतलब क्या होता है, मैं हम सबको बिजली मुफ्त देंगे, हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे सबको, हम पानी का बिल नहीं लेंगे, ये हुआ फ्री बीज। हम क्या कहते हैं, BPL को हम दूध देंगे आधा लीटर, इसका इकोनॉमिक्स वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। किसको हम दे रहे हैं? आप हमको नहीं दे रहे हैं, मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये BPL परिवार के बच्चों को दे रहे हैं, जिनकी माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे हृष्ट पुष्ट हों, अच्छे हों, तंदुरुस्त हों, लेकिन वह अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको हम एम्पावर कर रहे हैं। आयुष्मान भारत में हमने आपको, हमने कोई फ्री मेडिकल बिल दिया क्या? हमने कोई फ्री मेडिकल बिल लिया क्या? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए केवल मैं इतना ही कहूंगा, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। थोड़ी विनम्रता लाइए, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनका आदर करिए, केवल परिवार की चाटुकारिता मत करिए। और संदीप जी आपके शो पर बड़े सम्मानित हैं, एक बात कह रहे थे अंजना जी, उन्होंने कहा गालियां सब देते, मैं तो डंके की चोट पे यहां कहता हूं, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, बसवराज बोम्मई जी, आप पूरे प्रचार के दौरान एक वक्तव्य बता दीजिए जो किसी वरिष्ठ नेता के लिए गलत कहा है। आपने एक MLA का वक्तव्य बोला, मैं बिल्कुल कहूंगा पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कि ये भाषा उचित नहीं है और इस भाषा का संज्ञान लिया गया है। क्या खड़गे जी के लिए, रोहन गुप्ता, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, जब वो अपशब्द बोलती हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये बात आपके चैनल पे आज कह पाएंगे?
और मैं फिर से कह रहा हूं, खड़गे जी इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष हैं और उनको गांधी परिवार को खुश रखना है। गांधी परिवार तभी खुश होता है जब गाली दो श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके जैसी क्षमता आप में नहीं है। तन्वीर जी, तन्वीर जी, अंजना जी, इसके बाद आ रही हूँ सर, तन्वीर जी बोल रहे हैं। तन्वीर जी, यस सर, आई कैन हियर यू। हाँ, तो सवाल यही है जो वो कह रहे हैं कि गाली गलौज के इस पूरी लड़ाई में, और जो मैंने पहले भी उनसे कलीमुल साहब से पूछा था, हिम्मत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं नागरिकों के लिए समान कानून हो देश में, और आप लोग तुष्टीकरण की वजह से इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आप भी बार बार याद दिलाते हैं कि 4% आरक्षण मुस्लिमों को हम ही ने दिया था। मुस्लिमों के वोट की लड़ाई है जेडीएस और कांग्रेस के बीच में।